हेलो गाइस, मैं मुकेश वर्मा चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आज साइंस की फर्स्ट क्लास लेकर आया हूं। हम साइंस का यहां पूरा कोर्स पढ़ेंगे जिसमें हम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ेंगे और हम जैसे कि एसएससी रेलवे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस। साइंस अर्थ, इस सबसे पहले साइंस का मीनिंग क्या है, कहाँ से आया साइंस, साइंस कहाँ से आया है, एक वर्ड है साइंटिया, यह वर्ड भी कहां से आया है, यह वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से। किससे आया है, ग्रीक लैंग्वेज से, समझ गए। तो इस साइंटिया वर्ड का मीनिंग क्या है, टू नो, क्या है, टू नो मतलब जानना, किस हिसाब से जानना, विद फैक्ट, समझ गए भाई। एक बॉडी किस तरह वर्किंग करती है, उसका क्या क्या काम है, वही क्या है, साइंस है। इसी ये किससे आया, साइंटिया, जो कहां से आया है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड जिसका अर्थ है टू नो, जानना, विद फैक्ट। और आज हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायो, क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे सबसे पहले जीव विज्ञान ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले ह्यूमन बींग ही तो आया ना धरती पे, उसने क्या देखा है, उसने फिजिक्स देखी है भाई, अर्थ की क्या है, एक अर्थ की भौतिक अवस्था कैसी है, समझ गए बात ना, ये क्या है फिर फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। इसके बाद क्या आई है थर्ड चीज, रसायन विज्ञान जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, और इसको हम हिंदी बोलते हैं रसायन विज्ञान। अब हमने भौतिक अवस्था तो देख ली, अब उसके अंदर क्या क्या चीज है वो हम किस में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में। और अब हम इसका एक छोटा सा टॉपिक होता है लास्ट में, वो क्या होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज, हम पर्यावरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान, अब हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। अब सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, क्या है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की खोज एक सबसे मेन है। अब सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, बायो, यह कहां से लिया गया है, यह भी एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है, किसे लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, बायो जिसका अर्थ है जीव, और ये क्या है, लोगी, इस लोगी को क्या पढ़ते हैं हम, लोगस, लोगस का मतलब क्या है, अध्ययन करना, इसी को हम बोलते हैं जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी के खोजकर्ता कौन है, कौन है बायोलॉजी के खोजकर्ता, अरस्तु, कौन है, अरस्तु, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल। और एक बात है, इसने तो इसकी खोज की है, जो ये वर्ड है ना बायोलॉजी, जो ये शब्द है, जो ये टर्म है, ये किसके द्वारा गिवन है, यह किसके द्वारा गिवन है, यह गिवन है, यह गिवन है लेमार्क एंड ट्रिनी वायरस, क्या नाम है, लेमार्क एंड ट्रिनी वायरस, लेमार्क एवं ट्रिनी वायरस, क्या नाम इस बंदे का, लेमार्क एंड ट्रिनी वायरस, इसी के द्वारा यह शब्द दिया गया है। आप पूछ लेना कोई भी बायोलॉजी के शब्द किसके द्वारा गिवन है, लेमार्क एंड ट्रिनी वायरस, और बायोलॉजी की खोज किसने करी है, वो कौन है, अरस्तु। अब हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके वो दो भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा भाग आएगा इसका, जूलॉजी, फिर आता है इसका पार्ट बोटनी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी दो तरह की होती है, जिसमें फर्स्ट क्या है, जूलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, और दूसरा पार्ट क्या है, बोटनी, जिसको हम बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, जूलॉजी, जूलॉजी का अर्थ क्या है, जू मतलब क्या है, जंतु, वही लोगस मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, लोगस, जिसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, क्या होता है, अध्ययन करना। तो इसमें क्या करेंगे, जंतु का अध्ययन, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ऐसे जीव, क्या बोलेंगे, ऐसे जीव जो चल फिर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, वो किस में आएंगे, जूलॉजी में आएंगे। अब जूलॉजी की खोज किसने करी है, इसकी खोज
अरस्तु के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? अरस्तु के द्वारा इसकी खोज, जूलोजी की खोज की गई है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है, अरस्तु ने जूलोजी पर कौन सी बुक लिखी है, उसका नाम बताइए। तो उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम उस बुक का? हिस्टोरिया एनिमेलिया। अब यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जूलोजी के ऊपर अरस्तु के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताइए, हिस्टोरिया एनिमेलिया। यह हिस्टोरिया एनिमेलिया किसके द्वारा लिखी गई बुक है? अरस्तु के द्वारा लिखी गई बुक है। इसने क्या किया था? इसने 500 से लेकर 1000 तक जो जीव है, जो एनिमल है, उनका अध्ययन किया और उसी से क्या बनाई है? जीव विज्ञान का निर्माण किया है। अब हम आते हैं अपना दूसरा टॉपिक है जो बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले बॉटनी में क्या आते हैं? पादप, पेड़, समझ गए, या पौधे, इन सब का अध्ययन किसमें कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? ऐसे जीव जो जीवित तो हैं, समझ गए, जो मतलब जीवित तो हैं बट परंतु चल फिर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? चल फिर नहीं सकते, समझ गए। तो वो किस में आएंगे? पादप वनस्पति विज्ञान, बॉटनी में आएंगे। और बॉटनी की खोज किसके द्वारा की गई है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस बंदे का नाम क्या है? उस बंदे का नाम है थियो फेस्टस। याद रखना हमेशा यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्या नाम है? थियो फेस्टस, सॉरी, इस बंदे का क्या नाम है? थियो फेस्टस, यह इस बंदे का नाम है। याद रखना भी, बॉटनी की खोज किसके द्वारा की गई है? थियो फेस्टस के द्वारा, फेस्टस के द्वारा की गई है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने क्या किया था? इसने भी 500 से ऊपर पादपों को लेकर अध्ययन किया था, जिससे इसने किसकी खोज की है? बॉटनी की खोज। अब क्वेश्चन पूछा जाता कि बॉटनी की खोज थियोफेस्टस के द्वारा की गई है, या थियोफेस्टस के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, या बॉटनी के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक का नाम बताइए। तो बॉटनी के ऊपर पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई है? उस बुक का नेम है, लिखो, उस बुक का नेम क्या है? उस बुक का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, समझ गए आप? इस बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? थियोफेस्टस के द्वारा लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है? बॉटनी के ऊपर लिखी गई है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीन टर्म जो जूलॉजी में या बायोलॉजी में मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रही है। अब हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट तीन टर्म है वो पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या है? बाहरी संरचना। क्या है? बाहरी संरचना। अब हम सबसे पहले बायोलॉजी में क्या देखते हैं? भाई वह जीव बाहर से कैसा दिखता है, उसकी बाहरी संरचना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मॉर्फोलॉजी का क्या अर्थ है, या बाहरी संरचना के अर्थ को क्या बोलते, तो क्या बोलेंगे इस, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, समझ गए आप? यह हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जैसे कि हमने इस पे लिखा है कि एनाटॉमी, आंतरिक संरचना। और अब हम वो जीव तो हमने बाहर से तो देख लिया, अब उसकी आंतरिक संरचना कैसी है? जैसे कि हम बाहर से दिखते हैं दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, समझ की बात है? तो एनाटॉमी में क्या है? आंतरिक संरचना, हमारे अंदर क्या प्रोसेसिंग है। जैसे कि इसमें क्या लिखा गया है? आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। क्या है? आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। जैसे हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा लीवर कैसे काम करता है, समझ गए? अब आता है तीसरा और लास्ट, क्या है? फिजियोलॉजी, कार्य की। अब इसमें यह दो चीजें तो हमने देख ली, वो बंदा कैसा है, अब वह काम कैसे करता है, वो किस में आता है? फिजियोलॉजी में। इसमें आता है कार्यों का अध्ययन करना। क्या आएगा? कार्यों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। और ये है अपना आज का फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर फॉर बायोलॉजी। और अपने चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।